गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे हर्ट के बारे में और से डिटेल में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो ब्लड है वो पंपिंग कैसे होता है और ब्लड का जो रास्ता है वो कैसे कैसे होता है। देखिए, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो शायद मैं हार्ट के बारे में कल पढ़ रहा था, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से डाला था। आज ध्यान से सुनो, अगर मैं हार्ट की बात कर रहा हूं, हार्ट से अगर ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है तो जाएगा कहां? जाएगा सीधे महाधमनी में, यानी एओर्टा में जाएगा। एओर्टा बताया था, एओर्टा में अगर ब्लड गया, एओर्टा के बाद कहां जाएगा? आर्टरीज में चला जाएगा, यानी धमनी में चला जाएगा। अब जब ब्लड एओर्टा के रास्ते कहां गया? धमनी में, यानी आर्टरीज में पहुंच गया, तो यहां से जो छोटी धमनियां होती हैं, यानी स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं, उसमें पहुंचता है ब्लड। अगर उसमें पहुंचा ब्लड तो फिर कहां ब्लड पहुंचेगा? केशिकाओं में पहुंचेगा। केशिकाओं का मतलब क्या होता है? कैपिलरी होता है। क्या होता है? कैपिलरी होता है। ठीक है, कैपिलरी में जब ब्लड पहुंचा तो कैपिलरी के बाद क्या करता है? वो टिश्यू को दे देता है ब्लड, जहां से दोबारा क्या करते हैं? देखिए, अभी इतना जो ब्लड जा रहा था ए वाला यहां तक, केशिका तक, यानी कैपिलरी तक, ये कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसके बाद जो कैपिलरी है, कैपिलरी क्या करती है? सेल्स को दे देती है। अब सेल्स क्या करते हैं? सेल्स से जो ब्लड आता है वो कौन सा ब्लड आएगा? हमने शुद्ध करके दिया तो उधर से ब्लड कैसा मिलेगा? अशुद्ध ब्लड मिलेगा। यानी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मतलब पहले समझ लीजिए। ऑक्सीजनेटेड का मतलब यह होता है शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें कोई अशुद्धियां हो, उस पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। शुद्ध का मतलब क्या होता है? सॉरी, शुद्ध का मतलब ये होता है कि उसमें केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ना कि और कुछ। और अशुद्ध का मतलब होता है, अशुद्ध नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जब ब्लड छोटी के सिरा में आता है, छोटी यानी स्मॉल वेन्स में चला आता है, ये तो जो ब्लड आ रहा है कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड आएगा। ठीक है, अब जब छोटी सिरा में ब्लड आया, छोटी सिरा से कहां जाएगा? सिरा में जाएगा, यानी वेन्स में जाएगा। अब वेन्स जो करती है, वेन्स कहां पहुंचाती है? महासिरा में आता है। ठीक है, महासिरा का मतलब वेना कावा। अच्छा, एक बात बताना, यहां तक जो CO2 आया है ये फिर कहां जाएगा? हार्ट में जाएगा, तो हार्ट फिर पंप करके महासिरा भेजेगी, सॉरी महाधमनी में भेजेगी, तो महाधमनी कहां पहुंचाती है? सीधे भैया धमनी में पहुंचाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके बाद, अगर मैं थोड़े फिगर की बात कर रहा हूं कि कैपिलरी में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है? दोनों होगा या एक होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा? बोलिए। देखिए, जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी में दोनों प्रकार का ब्लड प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में ब्लड कौन से, सॉरी, इसमें से पूछा जा सकता है कि किस जगह पर दोनों प्रकार के ब्लड मिलते हैं? कहां पे मिलेंगे? कैपिलरी में तो मिलेंगे। ठीक है, कैपिलरी में दोनों प्रकार के ब्लड मिलते हैं, कैपिलरी में दोनों प्रकार के ब्लड मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब हार्ट की, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, तो
तो सिर्फ हार्ट में दो प्रकार के चैम्बर की खोज हुई थी, दो प्रकार के चैम्बर की खोज हुई थी। कौन कौन से चैम्बर? ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम क्या दिया गया था? अलिंद। और नीचे वाले का नाम क्या दिया गया था? नील। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल। जो एट्रियम था पहले दो प्रकार का था, तो अगर इसमें ब्लड आया, मान लीजिए ब्लड आ रहा था, तो कैसा ब्लड आया? मान लीजिए बॉडी से आ रहा, तो कौन सा ब्लड आया? CO2 ब्लड आया। अब जब CO2 ब्लड आया तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट ब्लड निकल जाता था, यही होता था। अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो सबसे पहले फिश में यहां देखने को मिला, यानी फिश में तो क्या आपको यही देखने को मिलेगा कि जो मछलियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है? दो प्रकार के चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, उनका इनके द्वारा श्वसन नहीं होता है। ठीक है, इनके द्वारा सिर्फ उनको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगली बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इधर ले रहा हूं राइट और इधर ले रहा हूं लेफ्ट, अगर मैं अब अपने मैमल्स या पंछियों की बात करूं, देखिए हमारे अंदर कितने चैम्बर? चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। यहां से ब्लड आया, यहां से ब्लड आया राइट एट्रियम में, और इसका नाम लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यही था। अगर ब्लड राइट एट्रियम पर, राइट एट्रियम में आए, तो जो ब्लड आया है, जो ब्लड आया है वो फिर कहां जाएगा? मैंने यहां पे बताया था बाइकस्पिड वाल्व होता है, ए बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल में गया तो राइट वेंट्रिकल कहां भेजा था? लंग्स में भेजा था। राइट वेंट्रिकल कहां भेजा था? लंग्स में भेजा था। लंग्स में ब्लड भेज दिया था, तो ये ब्लड क्या हुआ? प्यूरिफाई हो गया, यानी डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जब ये ब्लड प्योर हो चुका तो उसको कहां आना चाहिए? अब कोई रिसीव तो करेगा, तो कौन करेगा? लेफ्ट एट्रियम करेगा, यानी लेफ्ट एट्रियम के द्वारा क्या आएगा? लंग्स वाला जो ब्लड प्योर हुआ है उसको ये एक्सेप्ट करेगा। यानी जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो ब्लड कहां जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा कहां ब्लड जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से द्वारा कहां जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी में जब जाना है ब्लड, तो आपको इतना पता होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा इसमें से? सबसे ज्यादा पावरफुल होगा यल सी। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया नीले होगा। सुनिए, अगर मैं बात करूं सबसे मजबूत लेयर, तो मैं कल ही बताया था, यानी पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कौन सी लेयर सबसे ज्यादा मजबूत होगी, आपको पता है। सुनो, हमारा हार्ट है, मैं हार्ट सपोज दैट निकाल के बता रहा हूं, मेरे हार्ट में क्या हुआ? ब्लड आया, रिसीव हुआ ब्लड, तो जहां पे ब्लड रिसीव होता है तो उसको ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है? नहीं है। यानी ऊपर वाले को मैं बताया था रिसीव करते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, यानी आलिंद केवल रिसीव करने का काम करता है। अब जब ब्लड रिसीव हो गया तो उसको पंप भी करना है, पंप करेगा तो कौन करेगा भैया? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल किसको पहुंचा रहा है? सिर्फ लंग्स को पहुंचा रहा है, यानी इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आया, यहां से जो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया है, ए ब्लड किसको पंप कर रहा है? ए किसको पंप कर रहा है ब्लड? ए पूरी बॉडी को पंप कर रहा है, यानी सबसे ज्यादा मजबूत होने की जरूरत किसको है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। आपको पता होगा जो ज्यादा काम करता है उसकी मजबूत, उसकी बॉडी ज्यादा मजबूत हो जाती है। सुनिए,
यानी आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियां होती हैं, इसकी सबसे ज्यादा मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी को पूरी ब्लड पहुंचाएगा, याद रखना। अभी मैं बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व, देखिए हाइट में दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, पाए तो चार प्रकार के जाते हैं, मैं चारों बता चुका हूं, अभी मैं दो प्रकार के बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करूं, इस वाल्व पे त्रिकपाड़ जिसे बोला जाता है, यहां से कुछ आवाज आती है, दिल की आवाज आती है, दिल की आवाज तो सुने होंगे शायद, कभी नहीं सुना। क्या होता है जब स्टेथोस्कोप का नाम सुने हो, आला का, ठीक है, आला से जब एक डॉक्टर जब आपको बैठा के चेक करते हैं तो क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व से उसे एक आवाज, दो आवाज सुनाई देती है, लव और डब, लव और डब। देखो जब ब्लड, ठीक है, आया तो कैसी आवाज होती है, लव, और जब ब्लड गया, पंप हुआ, तो कैसी आवाज आएगी, डब, ठीक है, लव और डब की आवाज एक ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा आता है, ठीक है। सुनिए, अगर मैं बात करूं, देखिए लंग्स में जो ब्लड गया है, ये कौन सा ब्लड है जो गया है लंग्स में, ये अशुद्ध ब्लड है, यानी CO2 ब्लड है, और उधर से जो ब्लड आया वो कौन सा ब्लड है, O2 ब्लड। अच्छा, अगर मैं इसमें से पूछ रहा हूं आपसे कि बॉडी को कौन पंप करता है, बॉडी को ब्लड कौन पंप करता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, जरा बताइएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इस बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने बीपी का नाम सुना है, बीपी ब्लड प्रेशर नाम सुने, 120 बटे 80 mm ऑफ एच, ठीक है, mm ऑफ एच नाम सुने, 120 बटे 80 बीपी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जो बीपी मापा जाता है वो चेक किया जाता है, अगर ब्लड प्रेशर किसी का चेक किया जाता है तो 120 बटे 80 ये नॉर्मल होता है, 120 बाई 80 mm ऑफ Hg ये नॉर्मल बीपी होता है। ये जो 120 बटे 120 है ये क्या है, एक क्या है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल जब बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, यानी वेंट्रिकल यानी नीले क्या करता है, पंप करता है जब, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 120। वो ब्लड जाता कहां है, महाधमनी में, ठीक है, यानी एओर्टा में जाता है। एक ब्लड 120 की स्पीड तक गया और उधर से कितने के स्पीड में आया, 80 के स्पीड में आया, ठीक है। सुनिए, इसीलिए आपको कभी भी कट लगता होगा तो कट कहां पे लगता होगा, या तो छोटी सिरा में लगता होगा, या तो मान लीजिए सिरा में लग गया, ठीक है, या तो कैपिलरी में ही लग गया, बट महासिरा में कभी बाई चांस लग जाता है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कट लगा है ना, तो उसका ब्लड निकलने का स्पीड बहुत स्लो होता है, कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, स्लो होता है। जबकि गलती से अगर इसमें कहीं कट लग गया ना आपको, आयोटा में या आर्टरीज में या छोटी धमनी में, अगर यहां पे किसी में ब्लड लग गया तो ब्लड किस स्पीड से निकलेगा, 120 के स्पीड से निकलेगा, ठीक है। अगर ब्लड 120 की स्पीड से निकल रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम है। सो अगर मैं यहां पे कट लगा किसी को अगर यहां पे वेंस में कट लगा तो उसकी चांस मरने की नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को इसमें लग गया ना, धमनी में लग गया या आर्टरीज में लग गया ना, तो उसकी चांस बढ़ जाती है मरने की, क्योंकि अगर किसी का रस काट दिया जाए या वेंस काट दे, आर्टरी काट दिया जाए, तो काटने के बाद क्या होगा, ब्लड पंप करेगा, पंप तो करा,
पंप किया और ब्लड कहां चला गया, बाहर जा रहा, जबकि इसके रास्ते से कम निकलता है ब्लड। इसमें कैसे निकलेगा, स्पीड होती है 120, ठीक है, उसमें ज्यादा तेज ब्लड निकलता है। सुनिए, आपको पता होगा कि लोग कहते हैं आप थोड़ा ऑयली चीज या मसालेदार चीज कम खाओ, ठीक है, क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। अगर आप ज्यादा मसाले चीज खा रहे हैं, ज्यादा मसाला वाला चीज खा रहे हैं, यहां पे मैं बताया था इस वेन्स का नाम क्या है, क्या नाम बताया था बताइए, क्या नाम बताया था, पल्मोनरी वेन बताया था। इस जो पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन है, सॉरी यहां पे पल्मोनरी वेन है, इस पल्मोनरी वेन से जो आप ऑयली चीज खाते हो या कोई मसालेदार चीज ज्यादा खाने लगते हो तो क्या होता है, वो तो ऐसे चिपचिपा होता है, तो हर्ड में जब पहुंचता है वो चीज, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई चीज ऑयली आप खा रहे हो तो ज्यादा जमावट करने का काम करने लगता है, ठीक है। यहां पे कोरोनरी साइनस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोरोनरी साइनस पाया जाता है, जो क्या करता है, ब्लड को खींचने का काम करता था, क्या करता था, ब्लड को खींचने का काम करता था, कहां पाया जाता था, कैपिलरी, इसमें पल्मोनरी वेंस में, ठीक है। अब आपको पता है अगर कोई पाइप लीजिए, अगर वो आधी भट्टी हो, भट्टे का मतलब क्या है, आधी हो, उसमें कुछ जमाव बैठा हो, तो फिर क्या उसमें पंपिंग सही से होगा, उसमें पानी या किस कोई चीज की रफ्तार सेम रहेगी, नहीं रहेगी ना, तो क्या होता है वहां पे, अगर साइनस में, कौन से साइनस है, कोरोनरी साइनस में अगर ब्लड प्योर नहीं जा रहा, प्योर तो सॉरी, अगर पूरा ब्लड नहीं जाता है तो क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आएगा। तो अगर देखिए कितने लोगों में एक बार आता है, कितने लोगों में दो बार आता है, लोग कहते हैं तीसरे बार में तो निपट जाओगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं, ठीक है, कभी कभी किसी को चार बार पांच बार भी आता है, झटका जितना तेज होगा हार्ट अटैक का उतने ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए किसी का झटका एक बार में आएगा, खत्म हो गए, दूसरी बार आया किसी का, किसी किसी का तीसरी बार में हो जाता, ऐसे होता रहता है। सुनिए, अगर मैं ब्लड की इसमें बात कर रहा हूं, इसमें अगर ब्लड का थक्का जमना स्टार्ट हो गया तो भी होता। दूसरी चीज, कभी कभी एक और किसकी वजह से हो सकता है, ज्यादा खुशी की वजह से होता है, बीपी बढ़ जाए, बीपी बढ़ा तो ब्लड प्रेशर, यहाँ पे आया ब्लड, आया आस्तिक स्पीड से आ रहा है और भी स्पीड से आ गया, तो इसे निकालने के, यानी कि उस वक्त भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ज्यादा दुख में हो सकता है, खुशी में भी हो सकता है, दुख में भी हो सकता है, यानी ना ज्यादा खुश रहे ना ज्यादा दुख में रहे, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, इसी की वजह से होता है, देखिए, यानी ऑयली चीज ज्यादा जमा हो जाता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बन जाती है, ठीक है, यहां तक। और चीज सुनिए, यहां तक तो आपको पता ही हो गया होगा कि राइट वाले भाग में कौन सा ब्लड होता है भैया, CO2, और लेफ्ट वाले भाग में कौन सा होता है, O2 ब्लड होता है, ठीक है। यहां तक ये आपका पूरा लेक्चर हुआ कंप्लीट, किसके बेस पे था, केवल हार्ट के, ठीक है, हार्ट वाला पूरा टॉपिक आपका हुआ कंप्लीट, और इसमें आप लोग थोड़ा सही से याद कर लेना, ठीक है, ढंग का पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर।